लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आज मैं मल्लेश्वरी को नहीं मार पाया तो आप सिर्फ मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आज उस लड़की को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। पार्टी तो बहुत जोरों से चल रही है। हाँ, वो तो दिख रहा है। ए, चल जल्दी चढ़। आ रहा हूँ सर, आपके पीछे ही हूँ। हाय। हेलो। हेलो। वो गीता का भाई। आई सी, वेरी नाइस टू मीट यू। मैं सीता का हस्बैंड हूँ। वेरी ग्लैड टू मीट यू। और आप? मैं लता का बॉयफ्रेंड हूँ। ओह, वेरी ग्लैड टू मीट यू। वेरी सैड टू मीट यू। ये देख, गीता वहाँ पर है, आ जा। बट एक्चुअली थैंक यू, पर मेरा बर्थडे नेक्स्ट मंथ है। वो नेक्स्ट मंथ मैं गांव जा रहा हूँ ना, इसलिए एडवांस में दे दिया। सो स्वीट, थैंक यू। ओके बहन जी। ब्यूटीफुल ना? यहाँ कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, केक है, लेकिन काटने के लिए चाकू कहाँ है? हाय, गुड इवनिंग मैडम। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। क्यों फिल्मी डायलॉग मार रहे हो सर? तुम हर जगह बिना बुलाए क्यों पहुँचाते हो? अगर पुजारी नहीं बुलाए तो क्या मंदिर जाना छोड़ देते मल्लेश्वरी? ये डर कैसा? ये भी घिसा पिटा है सर। नहीं है। ओह लेडीज, तो लाइटर तो होगा? इडियट। थैंक्स। अब डिस्कशन बेकार है, मैं तीन तक गिनूंगा। अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो फिर मैं यहाँ से कूद जाओगे? नहीं, इसे फेंक दूंगा। प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में, मुझे क्यों बीच में ला रहे? देख, मैं प्यार के लिए मरूं तो रूटीन होगा, तू मरे तो अलग होगा। तैयार है? 1 2। सर 10 दिन में मेरी शादी होने वाली है, बिना मुझे क्यों फंसा रहे हो? 3 देखो, अब सुनो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गीता, हैप्पी बर्थडे। तुम इतना हैरान क्यों? ये तो तुम्हारा अपना भाई है ना, इमोशनल हो गया होगा। आप कौन है? मेरा नाम प्रसाद है, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी के लिए यहाँ पर आ गया। उसने ना बोला तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या दे रहे हो? बीपी कम करने का कुछ दो। ये पीपी की दवाई है। डैडी, फोन। हेलो सर, मैं शंकर, मैं वाइजाक पहुंच गया हूँ। तो मैं नाचू क्या? सर आउटगोइंग फ्री है तो बार बार फोन करते हो, काम हो जाए तो फोन करो। ओए, चाय लेकर आ। लाया साहब। बॉस, वो देखो। सर रोड इधर है। है, रोड तो दिखाई दे रही है लेकिन हैंडल ठीक से नहीं घूम रहा है, लगता ऑयल कम हो गया है। सर 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 सर, एक मिनट, इधर शिपयार्ड में कोई पार्टी हो रही है क्या? हाँ, हम वहीं से आ रहे हैं। इस पार्टी में किसी मल्लेश्वरी को? मल्लेश्वरी? मल्लेश्वरी हाँ। को क्यों नहीं जानते? अच्छे जानते। हाँ। हाँ। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? चाचा। आपके होने वाले रिश्तेदार हैं। वो कौन सी कार से आ रही है? एम्बेसडर। नंबर भी मालूम है, 2343। वो देखो कार भी आ गई। मल्लेश्वरी, मल्लेश्वरी रुको रुको। मल्लेश्वरी उतरो उतरो। देखो तुमसे मिलने कोई आया, बोल रहे हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार है। सर बहुत अच्छे लोग है, माचिस मांगा तो लाइटर दे दिया। ये देखो चाचा जी, तुम्हारी मल्लेश्वरी।
दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? अपोलो। घबराने की कोई बात नहीं है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो हमारे साथ चलो। मलेश्वरी ये रखो, खर्चे में काम आएंगे, ठीक है? वहां पहुंचते मुझे फोन करना, ठीक है? भैया ये आपकी छुट्टे। मलेश्वरी ये तुम्हारे चाचा है? ए, क्या हुआ तुझे? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, अब कुछ होने वाला है। हट। ईश्वरी के बाद पकड़ेगा तू? टायर की हवा निकाल दी। सर आपने तो बोला था उनकी कारों की हवा निकालने के लिए बोला था। इसका ड्राइवर कहाँ है? वो तो कब का भाग गया। चल आ जा। आओ मैं भी आता हूँ। जल्दी आओ। ए, रुक क्यों गई? आ जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अकल है तुम्हें? मैं ही मलेश्वरी हूँ, ये क्यों बताया? मैंने कहा बताया, उन्हें पूछा था। मतलब वो आपके रिश्तेदार नहीं थे? बेवकूफ, अब समझ में आया तुझे? लेकिन वो लोग हैं कौन? मुझे नहीं पता, मुझे अर्जेंट हैदराबाद जाना है। ओके सुन, कल शाम की ट्रेन का रिजर्वेशन। ओके सर। कल नहीं, अभी जाना है। अभी कैसे जाओगी? किसी से लिफ्ट मांग लूंगी। और आधा घंटा रुकेंगे तो आपके मामा ही हमें लिफ्ट देंगे, सीधा ऊपर जाएंगे। सही बोला तू। शट अप। और नहीं तो क्या, इतनी रात को तुम्हें वहाँ तक कोई लिफ्ट देने वाला मिलेगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। हे मुझे मत मारिए सर। नहीं सर, सॉरी। एक लड़के के साथ ऐसे बात करते हैं? क्या हुआ सर, इसे ऐसे क्यों मार रहे? इस लड़की को अर्जेंट जाना है और ये लिफ्ट के लिए मना कर रहा है, जूते माने चाहिए। सर कार ही नहीं तो मैं लिफ्ट कहाँ से दूंगा? बेचारे के पास कार नहीं है तो लिफ्ट कैसे देगा? ये बात पहले बोली चाहिए थी ना, गधा कहीं का। नाम क्या है? वालिस। कार का नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। पप्पू, पप्पू रंगीला। करते क्या हो? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है सर। शादियों का काम करते हैं सर, जैसे केटरिंग वगैरह। तो वाइजक में क्या कर रहे हो? अपने लिए लड़की देखने आया था। ओह, तो क्या हुआ? वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। नसीब वाली है वो। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। सामने देख के चला। जरा सामने देखना। आप तो सनी पाजी हो सर। मतलब क्या है? मतलब आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अबे ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कौन हो? ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? इस वक्त हैदराबाद क्यों जा रहे हो? अगर ऐसे सवाल तुमने पूछे ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? आप जैसा कहें। अच्छा हुआ ज्यादा बात नहीं की, वरना मेरा दिन एंड हो जाता। ए, क्या हुआ? गाड़ी रुक गई सर। लेकिन क्यों रुक गई? क्योंकि टायर पंचर है सर। देख क्या रहे हो, तो फिर जल्दी टायर बदलो। इतने अंधेरे में नहीं बदल पाऊंगा। इतना उजाला काफी है।
स्टेपनी नहीं है सर। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अगर ये पहले बता दिया होता तो आप गुस्सा करते। मतलब मैं तुम्हें गुस्सा करने वाला दिख रहा हूँ क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बीपी का पेशेंट हूँ? असल में मुझे गुस्सा ही नहीं आता, समझे? आपका प्यार देख के सब समझ गया। आप क्या करेंगे? यही रुकना पड़ेगा। पास में कोई अच्छा होटल है क्या? नॉन एसी नहीं चलेगा, एसी चाहिए। बिना एसी के मुझे नींद नहीं आती। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपना मुंह बंद रखो। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। संभाल के चला। वो लड़की है लेकिन हिम्मत बहुत है उसमें। सही कहा तुमने। लेकिन वो घमंडी भी है। ये भी सही कहा तुमने। हाँ यहीं पे सो जाते हैं। ओके सर। ए, क्या सोच रहा तू? हम लोग ऊपर कैसे चढ़ेंगे? अपन ऊपर क्यों चढ़ेंगे, घास कोई नीचे ले आएंगे। करेक्ट सर। फिर देर किस बात की, चलो। ये क्या बॉटल से मुंह लगा के पी लिया, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? ओ झूठा नहीं पियोगी क्या? नहीं। ठीक है, अब मैं भी नहीं पियूंगा। मैनरलेस फेलो। आला बहुत पकड़ो इसे, बहुत पकड़ो। चलो हम सोते हैं। ओ सॉरी, तुम सो जाओ। क्यों लक्ष्मण रेखा बना रही हो क्या? सुबह उठते ही तुम्हारा चंडाल चेहरा मुझे नहीं देखना है ना? अरे छोड़ो, रात को अगर तुम्हारी शक्ल देख ली तो मुझे नींद नहीं आएगी। स्टूपिड इडियट। थैंक यू, सेम टू यू। ए अब तुझे कैलोरी सुनाऊं? नहीं कहानी, सोते वक्त मैं कहानी सुनता हूँ। अगर आप कहें तो मैं इन्हें गाना गा के सुना। तू गाना मत गा, मैं कहानी सुना दूंगा। लेकिन उसमें भूत की कहानी नहीं होनी चाहिए। क्यों डर लगता है क्या? नहीं डर तो नहीं लगता, लेकिन अगर आप मुझे सिनेमा की कहानी सुनाइए ना। सिनेमा की कहानी बोले तो एक बार मैं एक फिल्म का सेकंड शो देखकर वापस घर आ रहा था। उस समय ठंड के दिन थे, पेड़ों पर खामोशी छाई हुई थी, सड़कों पर सन्नाटा था। बाइक की स्पीड बढ़ाई और फिर एक गली में मुड़ गया मैं। गली के आखिर में स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तभी दूर से ऐसी आवाज आई। कुत्ता नहीं उल्लू। मैं बिल्कुल नहीं डरा और अपनी बाइक पे आगे बढ़ गया। गली के आखिर में एक शमशान पड़ता था और मुझे घर जाने के लिए उसे पार करना होता था। जैसे ही मैं शमशान के पास पहुंचा था, स्ट्रीट लाइट बुझ गई। मुझे थोड़ा डर लगा, मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। फिर अचानक आवाज आई, टायर पंचर हो गया। तुम्हारा मुंह क्यों नहीं पंचर होता? मैं गाड़ी से उतरा और पैदल चलने लगा। फिर लगा कि पीछे कोई आ रहा है, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि सामने मेरा दोस्त है। तो मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय? तो उसने कहा कि मैं आजकल यहीं रहता हूँ। मैं बहुत डर गया और उससे पूछा कि एक सिगरेट मिलेगी क्या? उसने अपने कान से निकाल कर सिगरेट दी। मैंने कहा कि मेरे पास माचिस नहीं है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास है। और उसने अपनी जलती हुई उंगली दिखाई। मैं डर गया और फिर मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। सामने दूर एक मुर्दा जल रहा था, उसके पैर दिखे। वैसे तो पैर नॉर्मल थे लेकिन उसके पैर उल्टे हो गए थे। ये तो कहानी सुनते ही डर गया।